हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ गोरखपुर से झारखंड तक। और झारखंड में एक स्टेशन है जमशेदपुर में, टाटा नगर। तो मैं गोरखपुर से टाटा नगर जाऊँगा। और गाइस, बहुत दिन बाद मैं कहीं ट्रैवल पे जा रहा हूँ। आई थिंक नेपाल के बाद मेरा ये पहली बार नेपाल के बाद कहीं ट्रैवल है गोरखपुर के बाहर। तो गाइस, जैसा कि हमारा ये बैग पैक हो चुका है, अभी कुछ सामान रखने हैं, जैसे ये कपड़े हैं और वो चार्जर है। अभी करेंगे थोड़ी सी पैकिंग और रह गई, तो पैकिंग पूरी करेंगे उसके बाद निकलेंगे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के लिए। तो गाइस, आई होप इस वीडियो में बहुत सारा प्यार मिलेगा। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले पहनते अपना शू और उसके बाद जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस, अभी हो चुकी है मेरी पैकिंग पूरी, जो चीज़ रखना था। और अब मैं निकलूँगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि जो मेरा ट्रेन है वो है 1:40 पे और अभी 12 बज गए हैं, मतलब बजने वाले हैं, बजे नहीं। तो मैं अभी निकलूँगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन के लिए, उसके बाद वहाँ वेट करूँगा कि जल्दी ट्रेन आ जाए। उसके बाद वहाँ वेट करूँगा जल्दी ट्रेन आ जाए, फिर चलते हैं, शुरू करते हैं एक और नई जर्नी। तो ये वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, आई होप कि इस वीडियो में काफी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस सफर में एक खास बात और है कि मेरे पास सामान ज्यादा है और मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ में मम्मी भी हैं और झारखंड में भैया रहते हैं, तो वहां जा रहा हूँ। और थोड़ा सामान ज्यादा है तो मैंने ऑटो बुक कर रखा है, जो ऑटो अभी नीचे मैंने बुला लिया है। तो अभी चलते हैं, सामान रखते हैं ऑटो में और उसके बाद रेलवे स्टेशन के लिए चलेंगे। उसके बाद कल सुबह झारखंड में पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मस्त एंजॉय करेंगे, पूरा झारखंड घूमेंगे, बहुत मज़ा आएगा झारखंड घूमने में। बहुत ही मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस लगता है पहाड़ों में। तो चलिए फिलहाल रखते हैं सामान, और ये रहा और बैग, तो चलिए चलते हैं लेके। गाइस, मैं पहुंच चुका गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे और पीछे हमारी ट्रेन लगी हुई है जो कि गोरखपुर से शालीमार जाती है, और हमको टाटा नगर उतर जाना है। और मैंने सामान भी अंदर रख दिया, तो चलिए दिखाते हैं। ये हमारा कोच और ये हमने सामान अंदर रख दिया, मस्त बैठेंगे यहाँ पे। तो अभी ट्रेन चलने में काफ़ी टाइम है, तब तक बैठे हुए मस्त और इंतज़ार करते हैं कितनी देर में ट्रेन चलती है। खोल लेते हैं भाई, आ,
काफ़ी गर्मी लग रही है तो खिड़की खोल लिया, बैठे हुए हैं। और ये है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, और बहुत खाली है भाई, इतना खाली मैंने रेलवे स्टेशन शायद ही कभी देखा हो गोरखपुर का। आज बहुत ज़्यादा खाली है गोरखपुर के रेलवे स्टेशन कोविड के वजह से। ट्रेनें भी काफ़ी कम चल रही हैं कोविड की वजह से, ट्रेनें भी काफ़ी कम चल रही हैं रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा खाली है। और ये कोच भी खाली ही है लगभग, बहुत कम पब्लिक बैठी हुई है। तो चलिए देखते हैं आगे, आई थिंक ये कोच भर जाएगा पूरा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर, और बाहर से तब तक दिखाते हैं आपको गोरखपुर रेलवे स्टेशन। और अभी ट्रेन चलने में काफ़ी टाइम है, तब तक आइए चलते हैं बाहर, थोड़ा स्टेशन पे घूमते हैं। बाकी मैंने सामान वहाँ रख दिया, मस्त सीट भी लग गया, ये मेरा ट्रैवल बैग, बाकी आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर लेके। ये है बाहर, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत काफ़ी खाली लग रहा है हमको। जो एक नंबर दो नंबर प्लेटफॉर्म है उस पर थोड़ी सी भीड़ है, इस पर देख रहे हैं इस पर बहुत कम भीड़ है। तब तक कुछ खाते पीते हैं, मम्मी को ले चल के सूप पिला लेते हैं और मैं भी सूप पी लेता हूँ। सामने ये दुकान है, यहाँ से सूप लूँगा मैं और मम्मी को पिला देता हूँ, मैं भी पी लेता हूँ। वो भी निकाल दिया कपड़ा। मैं आ रहा हूँ एक कप देखिए। तो ये ले जा रहा हूँ मम्मी के लिए सूप, भाई चाय से बढ़िया लगता है मुझे सूप, और मैं अक्सर सूप ही पीता हूँ जब भी रेलवे स्टेशन आता हूँ, सूप नहीं होता है तो चाय पीता हूँ। अभी मम्मी को दे दिया और ये अपना सूप, मस्त सूप पीते हैं, बहुत शानदार। तो भाई बहुत ही गज़ब का टेस्ट है इसका, गज़ब का टेस्ट है, मज़ा आ गया भाई सूप पी के, और काफ़ी अच्छा बना है, ऐसा नहीं है पतला है, मस्त है, देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, चाय से बहुत बेटर है यार मेरे लिए। और अभी गर्मी काफ़ी हो रही है, ठंडी कम हो गई है, मैंने कुछ जैकेट्स रख लिए एक दो। हाँ तो भैया जी, हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, हम निकल चुके हैं अपने गंतव्य स्थान के लिए, और हमारी ट्रेन इन खूबसूरत जंगलों के बीच से होती हुई गुजर रही है, और मुझे मिला है विंडो सीट जो कि इन नज़ारों का आनंद लेने के लिए सबसे खूबसूरत जगह है। तो इन प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं ट्रेन से इन प्राकृतिक सुंदरता को।
तो गाइस ये है बनारस रेलवे स्टेशन और हम लोग पहुंच गए हैं बनारस, और फिलहाल चाय ढूंढ रहे हैं, कहीं चाय मिल जाए बनारस रेलवे स्टेशन पे। अरे अभी दुकान नहीं दिख रहा हमको, चलिए देखते हैं। अभी ट्रेन चलने में काफ़ी टाइम है और तब तक देखते हैं कहीं चाय वगैरह मिल जाए। यहाँ तो एक भी दुकान नहीं है, एक भी दुकान नहीं है यहाँ पे, सिर्फ फल वगैरह मिल रहा है बनारस में। और चाय ढूंढ रहा था, चाय मिल रहा है लेकिन नहीं मिल रहा, पूरी खाली है यहाँ पे, मतलब पब्लिक है लेकिन दुकान नहीं है चाय की। तो गाइस देख सकते हैं बनारस रेलवे स्टेशन, और चाय लेने के लिए मैं बहुत आगे आया हूँ, बस ये एक डर है कहीं ट्रेन ना चल जाए। भैया अंगूर कैसे? 40 रुपये पाओ एक पाव। कितना भैया? एक पाव। तो भाई आया था चाय लेने, चाय तो मिला नहीं लेकिन अंगूर मिले, अंगूर लेके चल रहा हूँ। देखिए तो भैया जी बनारस रेलवे स्टेशन पे फल खाने के बाद हमने किया रात्रि का भोजन, और उसके बाद हमने ली एक अच्छी नींद, और जब हमारी नींद खुली तो हम पहुँचने वाले थे झारखंड, और जो कि हमारा गंतव्य स्थान भी था, हमारी मंजिल भी थी। तो हमने झारखंड में एक छोटा सा वीडियो बनाया, तो आपको वीडियो भी दिखाते हैं। ये ट्रेन जो है पहुंचने वाली है झारखंड रेलवे स्टेशन तक, तो चलिए मिलते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, तब तक आप ये वीडियो देखिए। अभी सुबह के हो रहा है 5:53 और हम पहुंच चुके हैं टाटानगर झारखंड रेलवे स्टेशन के बाहर। बाकी यहाँ का कुछ ऐसा सीन है, दिखा देता हूँ आपको। तो ये भैया आए हैं लेने के लिए और मैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और बाइक लेके आ रहे हैं, तो उसके बाद मैं अपना सामान लेके निकल जाऊँगा। तो फिलहाल गाइस मैं पहुंच चुका अभी रेलवे स्टेशन से घर पे, भैया आए थे लेने और उसके बाद मैं आ चुका हूँ घर पे। अब सोऊंगा क्योंकि बहुत अच्छी नींद नहीं आई थी मुझे ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में बहुत शोर हो रहा था। तो फिलहाल चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और गाइस झारखंड ट्रिप देखना ना भूलें। मैं पूरे झारखंड का टूर करने वाला हूँ, जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा वहाँ तक करूँगा। तो
ट्रिप देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।